हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाना खजाना विद शिखा। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का चीला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन जरूर दबाएं। एक कटोरी दही लिया है, इसी कटोरी से दो कटोरी सूजी ली है। सूजी में दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। इसका एक घोल बनाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। पहले सूजी में दही सूजी में अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी घोल थोड़ा सा टाइट है, इसमें और पानी डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इस घोल को मैंने इस कंसिस्टेंसी में रखा है, अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है। चीले के लिए टमाटर को बहुत बारीक काटना होता है। सबसे पहले हम इसके बीज हटा देंगे, इस तरीके से स्लाइस करेंगे। चॉप कर लेंगे। प्याज को भी हमें बारीक काटना है। आधा छोटा चम्मच राई ली है, दो हरी मिर्च ली है उसको बारीक काट लिया है, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया उसको कद्दूकस कर लिया है, 3-4 पिंच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, कुछ हरी सब्जियां ली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, एक शिमला मिर्च ली है उसको बारीक काट लिया है, थोड़ी सी बीन्स ली है उसको भी बारीक काट लिया है, थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं, हरी धनिया की पत्ती ली है उसको बारीक काट लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब घोल में सारी सब्जियां और मसाले ऐड करेंगे। राई को नहीं डालेंगे, जब चीला बनाएंगे तो राई उसके ऊपर से डालेंगे। सब्जियां मिक्स होने के बाद घोल अभी टाइट है, इसमें पानी और ऐड करेंगे। इसका एकदम पतला चीले वाला घोल बना के तैयार करेंगे। अब परफेक्ट घोल बनके तैयार हो गया है, इस तरीके का होना चाहिए। गैस पे तवा गरम होने रख दिया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इस पे घोल डाल के फैला देंगे। घोल को अच्छे से फैला दिया है, अब इसके ऊपर तेल डालेंगे।
थोड़ी सी राई के दाने डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। जब ये चीला एक तरफ से पक जाएगा तब इसको पलटेंगे। चीला कहीं फूल ना जाए इसलिए इस पे इस तरीके से कट मार देंगे। चीला ऊपर से थिक हो गया है, यानी कि नीचे से थोड़ा सिक गया है। अब इसको तवे से छुटा लेंगे। अब इसको पलट देंगे। हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये चीला एक तरफ से सिक गया, कितना बढ़िया कलर आया है। चीले की दूसरी तरफ भी थोड़ी सी राई डाल देंगे। इसको दबा देंगे। दोबारा से चीले को फिर से पलट देंगे। चीले को पलट पलट के सेक लिया है। देखिए दोनों तरफ कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तवे पे दोबारा से थोड़ा सा तेल डालेंगे, घोल डालेंगे। फैला लेंगे। इसी तरीके से सारे चीले सेक के तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरा भी चीला कितना बढ़िया सिक के आया है। सूजी का चीला सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।